जी सर जैसे कि हम प्रीवियसली बात कर रहे थे आपको शौक है आर्ट एंड कल्चर का लिटरेचर का आपने की इंजीनियरिंग और अब आप सोजो वाटर पार्क चलाते हैं तो सर वो इंजीनियरिंग आर्ट से इंजीनियरिंग फिर इंजीनियरिंग से वाटर पार्क ये वाटर पार्क की इंस्प्रेशन आपको कहाँ से आई जब हम अभी यूनिवर्सिटी में ही थे और उस वक्त से चूँकि हम स्विमिंग कर रहे थे और मैं पाकिस्तान की कलर होल्डर हूँ स्विमिंग में वाटर पोलो में तो जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो और दो चार साल मैंने काम भी कर लिया तो हम तो फ्री के लिए ना सिंगापुर और थाईलैंड गए तो वहाँ हमने जाके वाटर पार्क विज़िट किए तो हमें बड़ी इंस्पायरेशन हुई कि इस किस्म का पार्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो मैं और मेरा छोटा भाई जोहेज़ हमने फिर मिल के ये सोचा कि भाई हमें ऐसा काम यहाँ करना चाहिए और आप यकीन करें उस वक़्त हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया इस आइडिए को कि इवन हमारी वालदा जिंदा थी उन्होंने भी क्या यार ये क्या काम कर रहे हो फिर हमने लोन लेने की कोशिश की बैंकर्स ने भी कहा कि कोई इंडस्ट्री लगाएं ये कोई इंडस्ट्री है मगर हम ना हमारा अपना पैशन था कि ये काम करना है तो अल्टीमेटली हमने बैंक का लोन भी मिल गया हमने बना भी बड़ी मुश्किलों से लिया और आप यकीन करें कि जिस दिन पहले दिन ये खुला है मुझे आज भी वो डेट याद है मुझे तो अक्सर अपनी बर्थडे भी याद नहीं होती है कि इट वॉज़ एटीनथ मे नाइनटीन और पहले दिन तकरीबन थर्टी फाइव थाउज़ेंड पीपल वर देर दूसरे दिन फोर्टी थाउजेंड और फिर तीसरे दिन पच्चीस हज़ार लोग और इट वाज ग्रेट क्राइश यानी कि आप समझें कि हमसे वो क्राउड मैनेज ही नहीं हुआ क्योंकि वी वन नॉट गेड अप तो सोच रहे थे दस हज़ार पाँच हज़ार बंदे आएंगे और वो भी हमारा बड़ा ख्वाब था कि इतने बंदे आएंगे हम बड़े क्याली बड़ा लेट दस बजे गए उधर तो नौ बजे का हंगामा मचा पड़ा था क्योंकि उस वक्त पी अकेला होता था उस पर जब ऐड चला तो फिर सारों ने देखा फिर चैनल ही इतने हैं कि सारों को ही ऐड देने पड़ते हैं कि भाई सारे लोग देख सको उसको सिर्फ पी टी वी था सो so, अल्लाह ने जिसको देना होता है फिर वो देता है और इसी तरह ही देता है और आज थर्टी टू ईयर्स हो गए हैं उसी तरह से वो चल रहे हैं और जो एक टर्मोइल आया बीच में वो सिर्फ कोविड का था मगर उसके अलावा इट स्टिल वी आर स्टिल मैनेजिंग इट वेरी वेल हम एडिशन्स भी करते रहते हैं उसमें नई चीज़ें भी लाते रहते हैं और उसके बावजूद अभी देख लें इतने साल हो गए एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इज़ गोइंग ऑन माशा तो सर जैसे कि आपने कहा कि इनिशियली आपको एक चैलेंज ये भी फेस करना पड़ा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए थे तो इसके मेंटेनिंग के साथ साथ ऐसे कौन से और दीगर चैलेंजेस थे जो कि आपको इनिशियली फेस करने पड़े देखिए सबसे पहली बात तो ये थी कि उस वक़्त किसी को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा था कि वाटर पार्क भी कोई चीज़ होती है इवन जब हम बैंक के पास गए कि हमें लोन चाहिए तो उन्होंने बड़ी रिल्कटेंटली कराची से वो लाहौर आए उनके एक मैनेजर और उनको हमने अपना जगह दिखाई जगह हम उस वक्त ख़रीद चुके थे अपने पैसों से तो रास्ते में वो हमें डिस्करेज करते जा रहे हैं कि पार्क क्या होता है ये मैंने तो कभी देखा नहीं ये है वो है मी बीइंग एन इंजीनियर हम जब वहाँ पहुँचे गाड़ी के बोनर पर मैंने पूरा उसका मैप रखा कि इधर से एंट्रेंस होगी इधर से टिकट बूथ होगा इधर चेंजिंग रूम्स होंगे इधर स्विमिंग पूल्स होंगे इधर से स्लाइड आएगी कह ठीक है ठीक है ठीक है मैंने देख लिया बंद करें मैं और मेरा भाई दोनों आंखें मिला के यही कह रहे थे किसने लोन लोन हमें को नहीं देना वापसी पे आ रहे हैं तो वो कहता है कि यार मैंने लंडन में एक पार्क देखा था वो तो ऐसा था वैसे था हम फिर कहें कि यार इसको क्या हो गया अभी जाते कुछ तो आते कुछ है फिर उसने एंड में आके हमें कहा कि जी आप कराची आ जाए आपको मैं पैसे देता हूँ तो इसमें देखें ये कुदरत खुदा की है कि जाते हुए उसका जिन और है और वो उस वक़्त टोटल बैरन लैंड था उस वक्त जिसने हमें बेचा था उसने दरखत भी काट लिए थे तो वो बैरन लैंड देख के वापस आके हमारा नक्शा देख के आके कहता है तो मैं आपको लोन देता हूँ फिर तो उस वक्त तो उसने हमें ज़रूर ये कहा कि जी आपने उस दौर में एक करोड़ साठ लाख मांगा है तो हम आपको आधा दे देंगे हम चलो आधा ही तो हम काम कर लेंगे तो आधा हम खुद डाल लेंगे तो ये कुदरत का जो निज़ाम है न किसी को देने का उससे आप मुबर्रा नहीं हो सकते वो उसी की त है जो किसी के दिल में डाल देती है तो और फिर इंशाल्लाह उसके वो दिन और आज का दिन वो कामयाबी से चल रहा है।